छात्र राजनीति जो मुख्य धारा की नींव कही जाती है उसकी अब हत्या हो रही है। कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव अब जिस तरह से एक साल से बंद है, ऐसे में छात्रों का भी विरोध है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, लेकिन सरकार जो है अपने डिसीजन से टस से मस नहीं होनी है। आज एनएसयूआई ने धरना प्रदर्शन भी किया, डंकी बिछड़ने की कोशिश भी की, पूरे प्रदेश में जन आक्रोश भी देखा गया। क्या कुछ कहेंगे सर छात्र संघ चुनाव को लेकर, आपकी क्या मांग है? हमारी ये मुख्य मांग है, छात्र संघ चुनाव जो पूर्व की बातें होने चाहिए। जब 2003 में बंद थे उस समय गहलोत सरकार आई, उन्होंने चालू करवाए, और पिछली बार जब चुनाव होने थे तो एन वक्त में जो भी जितने भी विश्वविद्यालय राजस्थान के उनके कुलपतियों ने इसमें असहमति जता दी थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी सर पे थे, तो उन्होंने उस बात को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया था। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली थी तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी ये दावा किया था हम छात्र संघ चुनाव करवाएंगे, तो हमारी यही मांग है छात्र संघ चुनाव करवाएं। और इसी के लिए आज पूरे राजस्थान भर में आंदोलन हुए, और अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते हम जोधपुर से इस आंदोलन के बड़े आगाज में शुरुआत करेंगे। इसी के तहत हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी बहुत सक्रिय और राजस्थान यूनिवर्सिटी में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, और हम सरकार से मांग करते हैं छात्र तो गहलोत साहब भी खुद भी छात्र राजनीति से आए हैं, उन्होंने ही छात्र संघ चुनाव शुरू करवाए थे, अब वापिस बंद क्यों किया, आपको क्या लगता है? गहलोत साहब ने चुनाव बंद नहीं किए थे, ये जो भी है जितने भी राजस्थान में जो विश्वविद्यालय उनके कुलपतियों ने असहमति जताई कि हमारे पास इतना स्टाफ अवेलेबल नहीं है, इस वजह से हम इस बार छात्र संघ चुनाव नहीं करवा सकते, क्योंकि आगामी 2 महीने बाद तो विधानसभा चुनाव थे, इसी को देखते हुए ये चुनाव नहीं हो पाए थे। बाकी गहलोत साहब खुद छात्रत्व में और छात्र संघ चुनाव के हमेशा पक्ष में रहे। ये सिर्फ एक बहाना भर है, क्या इतनी बड़ी विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं तो क्या छात्र राजनीति के छात्र संघ चुनाव नहीं हो सकते? क्या प्रशासन के पास इतना अमला भी नहीं है छात्र संघ चुनाव करवा सकते? छात्र संघ चुनाव करने का पूरा जिम्मा जो लिंग 2 कमेटी और विश्वविद्यालय प्रशासन के पास ही होता है। जब विश्वविद्यालय प्रशासन ने असहमति जता दी कि भाई ये हम करवाने के लिए अभी असक्षम है, उसी को देखते हुए राज्य सरकार ने ये फैसला लिया था। बाकी गहलोत साहब ने आगे भी कहा, पूर्व में भी उन्होंने छात्र संघ चुनाव कराए, और छात्र संघ चुनाव वो सीढ़ी है, आज राजस्थान विधानसभा में कई ऐसे नेता है जो आज छात्र संघ चुनाव की वजह से वहाँ पे है। बड़ी अच्छी बात कही आपने, बड़े बड़े नेता आज राजस्थान की मुख्य धारा की राजनीति में है, वहाँ पे सदन के पटल पर बैठे हैं, डिसीजन ले रहे हैं जो छात्र राजनीति से ही निकले, लेकिन अब वही छात्र संघ चुनाव नहीं करवाना चाहते। यह तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम सब छात्रों के लिए और छात्र नेताओं के लिए कि आज इस विश्वविद्यालय से निकले हुए ऐसे तमाम आज भारत की राजनीति के अंदर बहुत ही बड़े ओहदे के अंदर बैठे हैं, राजस्थान की राजनीति के अंदर बहुत बड़े ओहदे से बैठे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, वो श्री विश्वविद्यालय से चुनाव उन्होंने लड़ा था। माननीय गजेंद्र शेखावत साहब जो आज कैबिनेट मंत्री है और सांसद पद पर आज भारत सरकार के अंदर हिस्सा है, यहाँ बाबू सिंह जी राठौड़ देख लो, हरीश जी चौधरी देख लो, तो मैं तो आपकी मीडिया के माध्यम से ये चीज कहना चाहूंगा कि कांग्रेस बीजेपी जो भी है सभी संगठन को संगठित होकर मैं तो छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग रखनी चाहिए और पुरजोर तरीके से रखनी चाहिए, क्योंकि यही राजनीति की एक पहली पीढ़ी है। छात्र संघ चुनाव होते हैं तो छात्र संघ पदाधिकारी छात्रों की समस्याओं के लिए उनको समस्या हल करने के लिए वहां पर तत्पर खड़े रहते हैं। एक राजस्थान की राजनीति के अंदर एक सुनहरा भविष्य छात्रों का यहाँ से निकल उभरता है। ये जोधपुर विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति ने इस पूरे भारत देश को बता दिया गया है। तो मैं तमाम आज भारत सरकार के अंदर जो यहाँ से निकले हुए छात्र संघ अध्यक्ष, छात्र संघ पदाधिकारी एवं इस राजस्थान सरकार के अंदर जो आज इस विधानसभा के अंदर बैठे हुए सभी छात्र संघ अध्यक्ष को मैं एक आपकी मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी इस तरीको इस आवाज को पुरजोर तरीके से विधायक इतने विधायक जो छात्र राजनीति से निकले, इतने मंत्री, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने ये आवाज उठाई, क्या लगता है? ये तो मैं आपसे कहना चाहूंगा ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हमारे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने भी पूरे राजस्थान भर के अंदर ये मुद्दा उठाया था। आज काफी छात्र यहाँ पे टंकी में चढ़े, हमारे भी मैं भी उसके अंदर शामिल था। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई जोधपुर की तरफ से मैं, मेरे साथी एफ सिद्धिराया, जितेंद्र देवड़ा, हम सभी टंकी पे चढ़ने का प्रयास किया था। हम अपनी मांग राजस्थान सरकार के सामने रखना चाहते थे, परंतु पता नहीं किसी के कारणवश पुलिस को पहले पता चल गया और उन्होंने हमें हिरासत पे लिया, और हम 151 के अंदर जो धारा आज 171 बन चुकी है उसके अंदर हम वापस मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर हमें जमानत ली है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हम यहाँ तक नहीं रुकेंगे, हम आगे भी विश्वविद्यालय के गेट पर अगर हमें उग्र आंदोलन कर अगर जल्द चंद दिनों पर अगर राजस्थान सरकार ने सही समय पर निर्णय नहीं लिया तो हम बहुत ही बड़ा एक कलेक्टर घेराव भी करेंगे और उसके अंदर हमारी पुरजोर तरीके से मांग रखेंगे। और जब तक ये छात्र संघ चुनाव करने की मांग पूरी नहीं होगी हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे सड़कों पर छात्रों के लिए। क्या लगता है दुश्मन कौन है, प्रशासन या वो लिंग 2 कमेटी या तमाम राजस्थान यूनिवर्सिटी के VC, कौन दूसरे या राजनेता?
हमारे यहाँ कॉलेज प्रशासन ही नहीं चाहता है कि ये चुनाव हो, क्यों ये नहीं चाहते कि हमें कौन परेशान हो, उनको चुनाव के दरमियान ड्यूटी देनी पड़ती है, भागदौड़ रहती है, इसलिए प्रशासन आनाकानी कर रहे हैं और ये छात्र चुनाव को आगे पीछे करके टालमोल करने में लगे हुए हैं। जबकि हमारे देश की सबसे प्रथम सीढ़ी राजनीति छात्र चुनाव है और यहाँ पे प्रशासन आनाकानी करके बोलता है हमारे संसाधन की कमी या कोई भी कमी पेशी पेश करके छात्र चुनाव को आगे टाल रहे हैं, तो ये गलत है। हमारा यही प्रयास रहेगा, सरकार मानती है तो ठीक है, अन्यथा हम प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करके छात्र राजनीति के चुनाव करवा कर रहेंगे। हम छात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हमारे छात्र नेता बनने से छात्रों के हित की आवाज उठाई जाती है और नहीं तो अन्यथा हमारी कोई आवाज उठाने वाले भी नहीं होते। छात्र नेता होने से हमारी हर समस्या का समाधान करने के लिए छात्र नेता अपना आप अपने स्तर पर भागदौड़ करके उस कार्यों करता और प्रदेश और राज्य की और प्रदेश के पंचायतों में हमारे जो विधायक और सांसद जो यहाँ छात्र नेता बनकर निकले हैं उनको भी आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने अपने कार्यकाल के दरमियान भी यहाँ छात्र नेता से कार्य शुरू किया था, तो उनको अब क्यों दिक्कत हो रही है कि छात्र हितों की आवाज उठाए? उनको भी सर्वप्रथम आगे आकर छात्रों के हित में चुनाव करवाने के लिए पहल करनी चाहिए। हमारे सभी छात्र नेता जो यहाँ से नेता बनकर आगे गए हैं लोकसभा और राज्यसभा में, तो उनसे हमारा अनुरोध रहेगा कि आप भी आवाज उठाए विधानसभा और लोकसभा। मेरा सवाल है, क्या बड़े राजनेता चाहते हैं कि नए जो नेता है वो तैयार नहीं होने चाहिए? रविंद्र सिंह पाटिल जैसे जिस तरह से बड़े नेताओं को टक्कर दी, निर्मल चौधरी हो या हनुमान बनीवाल हो, जिस तरह से टक्कर, क्या लगता है नई पीढ़ी को तैयार नहीं होने देना चाहते हैं बड़े राजनेता? हर नेता के लिए ये खूबी होती है कि मैं आगे बढ़ाऊं तो ऐसा हो मेरा उत्तराधिकारी बने, कोई दूसरा नया युवा आगे नहीं आए। उनकी इसी सोच को देखते हुए ये लग रहा है कि चुनाव नहीं करवा रहे। उनकी ये सोच नहीं होती तो हमारे प्रदेश में चुनाव अभी तक हो गए होते हैं। वो चाहते हैं कि हम आगे निकल गए, अब नया कोई नेता बनकर आगे नहीं आया, तभी उन्होंने चुनाव के लिए कभी जोर नहीं दिया। और हमारा यही प्रयास रहेगा, अभी भी हम अनुरोध कर रहे हैं सरकार से कि आप चुनाव करवा दें, अन्यथा हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, जैसे आज टंकियों पर चढ़ने का आंदोलन का था और आगे आने वाले समय में इससे भी अधिक और अन्य संगठनों को भी साथ लेकर हम शहर बंद करवाएंगे और उग्र आंदोलन करवाकर देश में चुनाव करवाकर ही मानेंगे छात्र हितों में। क्या लगता है जिस तरह से छात्र संघ चुनाव बंद हुए हैं, पहले भी बंद हुए थे 5 साल के लिए, अब भी बंद हो गए, कोविड में भी बंद हो गए, ऐसे तो छात्र संगठन संकट में पड़ जाएगा, टूट जाएगा? बिल्कुल, पहले भी जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने छात्र संघ के चुनाव बंद किए, बीच में कोविड की वजह से बंद रहे। पिछली बार कुलपति जो विश्वविद्यालय के विभिन्न कुलपति थे, उन्होंने न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी थी उनको जो लागू करने को लेकर कहा, उन्होंने एक सिफारिश की कि इस बार छात्र संघ चुनाव नहीं करवाए जाए। तो हमारी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस के अग्रिम संगठन एनएसयू ने तब भी मांग की थी कि भी छात्र हितों में छात्र संघ के चुनाव कराए जाएं। छात्र संघ चुनाव राजनीति की प्रथम सीढ़ी है। छात्र संघ चुनाव होने से छात्र संघ के जो पदाधिकारी होते हैं, विश्वविद्यालय के जो आम छात्र हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जो मुद्दे हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने पुरजोर तरीके से रख सकते हैं, जिससे क्या प्रशासन छात्रों में निर्णय लेने में उनको भी आसानी होती है। आपको लगता है संगठन कमजोर हो रहा है, 1 साल से चुनाव की कोई चर्चा नहीं? नहीं, संगठन में चुनाव तो चलते रहते, चुनाव किसी भी संगठन का, मैं एनएसयू की बात करूं, खाली चुनाव होना ही संगठन का काम नहीं। कैसे जुड़ेंगे जब छात्र संघ के चुनाव ही नहीं होंगे, नए बच्चे नई पीढ़ी को कैसे जोड़ेंगे आप? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, छात्र संघ चुनाव होने से बच्चे जुड़ते हैं, लेकिन हमारे संगठन का प्रयास रहता है कि छात्र संघ चुनाव जब भी नहीं हुए तो एनएसयूआई हमेशा कैंपस के अंदर एक्टिव रहा है, छात्रों को जोड़ने का प्रयास किया, उनके छात्रों के जो मुद्दे थे, छात्रों की जो मांगे थी, उनको पुरजोर तरीके से रखने का काम किया। लेकिन छात्र संघ के जब चुनाव होते हैं तो छात्र संघ के जो पदाधिकारी होते हैं वो प्रॉपर रूप से उन जो इशूज हैं, जो मूलभूत सुविधाओं की बात करें, एजुकेशन से रिलेटेड सारी जो समस्याएं कैंपस में आती हैं, उनको विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने मजबूती से रख सकते हैं। तो हमारी मांग है सरकार से, शिक्षा मंत्री परेशान बैरवा जी से, कि आप जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव की घोषणा करें, अन्यथा भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयू द्वारा सड़कों पर उग्र आंदोलन किया जाएगा और उग्र आंदोलन करके विधानसभा का भी घेराव किया जाएगा। तो जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव की एनएसयूआई कह रही है कि हम सड़कों पर उतरेंगे। जब चुनाव बंद किए थे छात्र संघ के, तब राज्य में कांग्रेस की सरकार की, आपके दिग्गज नेता के पास गए, एबीवीपी ने काफी धरना दिया, काफी विरोध किया, पर एनएसयूआई द्वारा इतना बड़ा उग्र आंदोलन नहीं देखा गया। अब राज्य में जब बीजेपी की सरकार बन गई तो आप उग्र आंदोलन कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी जानकारी के लिए, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ एनएसयूआई ने मुख्यमंत्री जी से, हमारे उस समय के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी ने मिलकर उनको रिप्रेजेंटेशन सौंपा था और हमने जगह जगह जिलों में कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिए थे और बिल्कुल आंदोलन भी किए थे कि छात्र संघ चुनाव हो।
मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार चाहे कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन एनएसयू एक हमेशा स्टैंड रहा है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, क्योंकि सारे जो आज विधानसभा में कई सारे जो विधायक हैं, चाहे अपने जोधपुर से ही बात कर लें, जो अभी वर्तमान में विधायक, चाहे बाबू सिंह जी राठौड़ हो, चाहे हरीश चौधरी जी हो, जो लेटेस्ट जो अभी वर्तमान में थोड़े समय पहले जो रविंद्र भाटी जी विधायक रहे हैं, तो कई सारे विधायक जोधपुर विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं, जेनान व्यास विश्वविद्यालय से, और आज छात्र राजनीति से ही विधानसभा तक पहुंचे हैं। तो हमारी मांग है और हमारा एनएसयूआई का अग्रिम संगठन जो कांग्रेस का, उसका स्टैंड साफ है कि शासन चुनाव होने चाहिए। यदि शासन चुनाव की घोषणा जल्द नहीं होती है तो हम सड़कों पर उतरेंगे और एक बड़ा उग्र आंदोलन करके विधानसभा का बड़ा घेराव की जल्द घोषणा की जाएगी। छात्र संघ चुनाव होने के बंद होने के पीछे आपको कौन लगता है, किसका हाथ? छात्र संघ चुनाव बंद होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ विश्वविद्यालय प्रशासन का है। विश्वविद्यालय प्रशासन जब अपने कार्य को करने में असमर्थ होता है, तब वो किसी न किसी प्रकार से छात्रों की आवाज को दबाता है। विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं चाहता कि छात्र नेता तैयार हो, छात्र संगठन परिसरों में काम करे, ताकि वो अपनी मनमानी कर सके, अपने काले धंधे चला सके। आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं छात्र नेताओं की भी गलती है इसमें है, कहीं ना कहीं जिस तरह से लिंगदो कमेटी की जो पालना नहीं की गई, पैसों पानी की तरह पैसे बहाए गए छात्र संघ चुनाव में? लिंगदो कमेटी की पालना की बात की जाए तो लिंगदो कमेटी की पालना करवाना विश्वविद्यालय प्रशासन का काम है, ना कि छात्र नेताओं का। छात्र नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि वो लिंगदो कमेटी के गाइडलाइंस को फॉलो करें, और आमतौर पर वे प्रयास भी करते हैं कि लिंगदो कमेटी के गाइडलाइंस को फॉलो करें, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की अनदेखी के कारण ये सारी घटनाएं होती है। क्या लगता है, छात्र नेताओं को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, खासकर राज्य सरकार जब आप मांग कर रहे हैं छात्र संघ चुनाव हो, तो कहने के छात्र नेताओं को भी अच्छे नेता सामने आने चाहिए और इस तरह से पानी नहीं बहाना चाहिए, जिस तरह से विधायक के चुनाव में इस तरह से पैसा बहाया जाता है, उतना ही पैसा छात्र संघ चुनाव में बहाया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। जिस प्रकार से विश्वविद्यालय की जो स्थितियां बनती है वो नहीं होनी चाहिए। लिंगदो कमेटी का पूर्णतः पालन करना चाहिए, चाहे जो कोई भी चुनाव लड़ रहा है। अब एबीवीपी किस तरह का आंदोलन कर रही है इस पूरे मामले? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संघ चुनाव करवाने के पक्ष में है और सरकार से दरख्वास्त करती है कि छात्र संघ चुनाव करवाया जाए। अगर सरकार कुछ समय के अंदर में छात्र संघ चुनाव का नोटिफिकेशन नहीं जारी करेगी तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करेगी। ये तमाम छात्र संघ संगठन के कुछ छात्र हमारे साथ थे, जिनकी सीधी सीधी मांग है कि अब जब नया सत्र शुरू हो चुका है तो राज्य में छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, ताकि नई पीढ़ी, जो कि नींव कहा जाता है छात्र संघ चुनाव, नई पीढ़ी के नए नेता उभर कर सामने आए और मुख्य धारा में शामिल हो। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।